का संक्रमण उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। ठीक उसी तरीके से गर्मी भी शहर में अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर आगरा में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज यहां तापमान 40 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, जिसका लेकर शहरवासी काफी परेशान है। आगरा वासियों का कहना है कि ऐसी गर्मी उन्होंने कई वर्षों बाद देखी है। वहीं मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों में ये गर्मी आगरा वासियों को और सता सकती है। लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा वैसे ही पसरा हुआ है, लेकिन आग उगलती गर्मी के चलते भी लोग अब घर में कैद हो गए हैं। वहीं केन्यू संवाददाता ने इसका जायजा लिया। क्या है, बहुत परेशानी का विषय है, ये तो सभी के लिए है। अभी तो यही है कि मास्क तो लगाना कंपलसरी हो गया है, कैप लगाना कंपलसरी हो गया है, ऐसे बचाव हो रहा है। पानी पी रहे हैं ठंडा और लोगों को पिला रहे हैं। तो लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आदमी जो है परेशानी झेल रहा है। ना तो खाने के लिए कुछ भी है, अब कोई ट्रांसपोर्ट है कोई लेके, या तो मूव कर रहा है तो उसको कुछ खाने के लिए चाहिए। रास्ते के लिए कितना लेके चलेगा, अपने पास कितना लेके चलेगा। तो हर चीज़ की एक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, वो अभी थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करना चाह रही है। जहाँ एक और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, और वहीं अगर देखा जाए तो आगरा में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग दोपहर सुबह से लगातार अपने घरों में देखे जा रहे हैं। दिखाना चाहेंगे कि सड़कें सुनसान है, देख सकते हैं कि यहाँ गर्मी का जो रूप है काफी तेज है, लगातार लू चल रही है और पारा 45 डिग्री से भी ऊपर का है। तो जिस तरह से लॉकडाउन का पालन लगातार पुलिस और प्रशासन यहाँ करा रहा है, लेकिन अब कहा जा सकता है कि बढ़ती गर्मी के चलते भी लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में कैद हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि गर्मी से लगातार बीमार जो लोग हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो लगातार जिस तरह से लॉकडाउन के चलते लोग घरों में हैं, और अब गर्मी की वजह से भी लोग घरों में देखे जा सकते हैं। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा।